चल जो सब रखेंगे ये सब तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जड़ी बूटियों की दुकानें लगी हुई हैं। हम अमरकंटक पहुँच चुके हैं। ये माँ नर्मदा उद्गम मंदिर है, उसका गेट है ये। ये मेरे भैया जो नहाए भी नहीं है अभी। ये मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये साधु संन्यासियों को देख सकते हैं आप। यही तो मेरे देश। और अब हम जा रहे हैं, झालर मुंडन होता है वहाँ पे। ये ग्रीन कलर साड़ी में मेरी बहन है, उसके तीनों बच्चे हैं, मेरा भाई भी है, दोनों भैया हैं। और ये भैया पहुँच चुके हैं यहाँ पे। हाँ बाद में नहीं, 120 का टिकट कटेगा वो मंदिर का परमिशन है ना, 251 से यहाँ स्टार्ट है। उसके ऊपर फिर मेरे भैया ने बार्गेनिंग किया, वहाँ पे पता चला कि 120 का टिकट कटता है मंदिर में, और 250 रुपये से उनका स्टार्ट रहता है मुंडन करने वालों का, दक्षिणा कहना चाहिए। तो मेरे पापा टिकट कटवाने गए दोनों के लिए, मेरे भाई के लिए भी, मेरे भतीजे के लिए भी, और टिकट करा के आए। फिर आटा में हल्दी डाल के उसको कूद के, फिर मोटी मोटी रोटी जैसा बनाए उसमें बाल उतार के उसी में रखते हैं, और फिर मतलब उसमें बाल अच्छे से साफ हो जाते हैं, या फिर कुछ और मान्यता होगी ये तो मुझे नहीं पता है। और वो सब हम कर लिए हैं। अब ये मेरे भाई बैठ गए हैं और मेरा भतीजा भी, अब उन दोनों के पास दोनों की बुआ बैठेंगी, मतलब हमारी भी बुआ और हम अपने भतीजे की बुआ हैं, तो हम भी, मैं या मेरी छोटी बहन, हम दोनों आए हुए हैं यहाँ पे, तो बैठेंगे उनके साथ बालों को अपने हाथ में लेने के लिए। ऐसा नियम या ऐसा कहना चाहिए, ऐसे संस्कार चलते हैं, इसको पता नहीं क्या। मेरा भाई बहुत ज़्यादा बीमार था, इसलिए उसने मन्नत मांगा हुआ था, उसके लंग्स का ऑपरेशन हुआ था। मन्नत हम सब ने मांग रखे थे, लेकिन उसने भी मांगा था कि जब वो ठीक हो जाएगा। ये मेरा भतीजा है, मतलब दुनिया को मेरे भतीजे से कहा लेना देना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा भतीजा है। कौन सा संस्कार बोलते हैं इसको, उपनयन संस्कार, जो भी बोलते हैं आप कमेंट पे बताइएगा क्या बोलते हैं। और ये मेरा भाई है, इसका मन्नत था, मन्नत मांगा था इसने कि जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो ये अपने केस यहाँ पे दान करने आएंगे, ऐसा इन्होंने मन्नत मांग रखा, मन्नत मांगी हुई थी इनने, तो वही करने आए हैं हम अमरकंटक माता रानी के श्री चरणों में। और मंगल गीत गाते यहाँ किसी को बनता नहीं है। अरे हमको गाना नहीं आता भैया, ये मेरा भतीजा बहुत ज्यादा रो रहा था। अच्छा क्या लेना, तो उसकी मम्मी तो रोने रोने जैसी हालत हो गई थी। पकड़ो पकड़ो भाई, अच्छे से पकड़ो बच्चे। ये मेरी माँ है, मतलब उसका बाबू का कहना चाहिए, बाबू की दादी माँ। ये मेरी मम्मी है, ये हमारी बहू है। ठंडे पानी से नहीं नहाया है ना वो कई दिन से। ये मेरे पिताजी, ये मेरी माता जी, ये हमारा बाबू। आंसू आंसू हो गया बाबू। हाँ
अरे बाबू बहुत रो रहा। भैया सर को ज्यादा नहीं दबा देना, टिकाओ टिकाओ। दूध की कटोरी, बाल की रोटी, बालों में रोटी छोड़ भैया कट गया, देख भैया थोड़ा सा कट गया, फुटबॉल भी टकली हुई है गंदी लगी, कटना बंद हो रहा है इतना दरी। खून भी निकल रही कट भी गई। अभी एक दिक्कत है कान का पता है, इतना दूर से कट गया ठीक है, इतनी इतनी खबर बच रहा थे कान के, अब इन लतरा अंधेरी अब कई सर मन नहीं।